नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुकुंदपुर पार्ट टू। सोम बाजार 25 फुटा रोड पर लोग बारिश के पानी से हुए जलभराव के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, सड़क का इतना बुरा हाल है कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के पानी के कारण गलियां भरी पड़ी हैं, जिस कारण सड़कों पर भी जलभराव होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मुकुंदपुर पार्ट टू के सोम बाजार के 25 फुटा रोड की है, जहां पर बारिश होने के कई घंटों बाद भी सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन मस्त है और जनता त्रस्त है। इस जल जमाव के कारण लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जैसे गांव में पगडंडी पर चलकर काम करने जाते हैं, वैसे ही इन लोगों ने दिल्ली का हाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार इस बाबत शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई सालों से सड़कें बनी नहीं है, जिस कारण लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें होती हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी, क्या समस्या हो रही है जो रोडों पे पूरी पानी भरी हुई है? जी, ऐसा है, सुशासन मस्त है और जनता त्रस्त है। ये आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, उस हिसाब से क्या हमको लगता है कि हमारा वोट सही जगह गया है? आप क्या मानते हैं इस बारे में कि हमारा वोट सही जगह गया है? क्या लग रहा है, इस एरिया की बात करें तो एक तरफ ने कल्पना झा निगम पार्षद, एक तरफ शर्मा है, क्या दोनों आदमी के गुट बातचीत चल रही, इसलिए जनता का भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि पार्टियों में हमेशा ही गुटबाजी रही है, ठीक है, और उस गुटबाजी का फ़ायदा ये पार्टियां उठाती रही हैं, और जनता का जो सबसे बड़ा लॉस है वो यही है कि इनकी जो है आपस की राजनीति में पिस रही है जनता, ठीक है। यहाँ से चलने के लिए जैसे खेतों में पगडंडी होती है, उसी तरीके से सड़कों का हल कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, इसके सुधार की ज़रूरत है, आप लोग आवाज़ उठाइए। क्या लग रहा है, चार साल के अंतराल में अभी तक अजय शर्मा या कल्पना झा की बात करें तो अपने काम को कुछ नहीं किया? जी, ऐसा है कि अभी आज ही मैंने जो है ये कूड़े वाली गाड़ी है उसका सायरन सुना, मुझे बड़ा अजीब लगा कि 4.5 साल हो गए और अभी तक 4.5 साल में ये गाड़ियाँ गायब थी और अब दिखने लगी हैं, मगर ऐसा क्यों? अगर आप ये कहते हो कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे और आपकी गाड़ी 4.5 साल बाद आती है, तो आप क्षेत्र का विकास नहीं, आप सिर्फ अपना विकास करने आए थे, और ये बात इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता जब पलटेगी तो इनका सारा का सारा जो ताजमहल है वो टूटेगा। सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजय चौधरी है। संजय चौधरी जी, मुकुंदपुर जो एरिया है, किसका लगता है क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? ये एरिया निगम पार्षद तो कल्पना जाए, और इससे पीछे देखेंगे आप घुमाओगे तो ये कह रहे हैं जी ये सारा अजय शर्मा निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से है, और ये सालों से ऐसी हालत पड़ी है इसकी कि जो आप देख सकते हैं पीछे के निकलने वाला रास्ता ही नहीं बचा, बिल्कुल एक तरह से झील बन गई है। और कल्पना झा के पास भी मैं भी कई बार गया हूँ, और इस पानी का कुछ ना कुछ कराइए, कोई पंप लगवाओ या ये नाला साफ करा दो, इसमें ये पानी डलवाओ, कैसे ना करें, रास्ता तो बनाओ, लेकिन कोई सुनाई नहीं करते। कुल मिला के 0 है जो यहाँ की पब्लिक पिस रही है, अजय शर्मा और कल्पना झा दो निगम पार्षदों के बीच में, और पब्लिक को पिसती आ रही है, ये निगम पार्षद अपना मौज मार रहे हैं और राजनीति करके बाहर के बाहर से निकल जाते हैं, और अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है तो ये थोड़ा थोड़ा सा पब्लिक में आए हैं, जब 4.5 साल होने को आ रहे हैं, 4.5 साल बीत चुके हैं, तब ये थोड़ा घूम रहे हैं। मगर इस रोड से वो भी नहीं आते हैं, वो भी जो साफ रोड है उन्हीं पे ही आते हैं, इन गलियों में नहीं आते, सूद लेते। हमने कई सालों से प्रयास करके तब अब ये पीछे 25 फुटा सोम बाजार रोड बनना शुरू हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, ये भी अधूरा ही है। और आप पब्लिक देख रहे हो किस तरह से निकल रही है, सारी पब्लिक इस तरफ घुमाइए थोड़ा सा, देखो पीछे कितना पानी है, तो बताइए सड़क कहाँ है, ये तो झील में तब्दील हो चुका है मुकुंदपुर। कितने सालों से सर सफाई नहीं हो पा रही है? ये सफाई का ही तो कारण है, सफाई होती
तो आप नालियां देखो भरी हुई हैं, सफाई होती तो सड़क पे पानी नहीं आता, और हुआ है पानी नाली में, इतनी गंदगी है कि ये पानी ऊपर आया तो सड़क पे आया, और कारण है सफाई मेन, और ना अजय शर्मा ने कोई साफ सफाई पर ध्यान दिया, ना ही कल्पना झा ने इस रोड पे कोई चीज़ का ध्यान दिया, उसी का नतीजा पब्लिक भुगत रही है, और आप देख रहे हैं कितनी परेशानी से लोग निकलते हैं, ये कुल राजनीति हो रही है, पब्लिक को कुछ नहीं है, कोई बीजेपी या आम आदमी में हमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, सब अपनी अपनी दुकानदारी सेट करने में लगे हैं, पब्लिक को धोखा देने में लगे हैं।